स्वास्थ्य जागरूक करने को लेकर वर्षों से प्रयासरत भदोही साइकिलिंग क्लब के प्रेसिडेंट अताउल अंसारी के प्रयासों की सराहना भदोही जनपद के जिलाधिकारी से लेकर CDO CMO यहाँ तक कि जिले का कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा अधिकारी कर्मचारी ने इनके इस अभियान की सराहना न की हो या शामिल न हुए हों। साइकिलिंग क्लब के प्रेसिडेंट का उद्देश्य मात्र यह है कि यहाँ के नौजवानों बच्चों बूढ़ों अपने प्रति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जैसा कि अमूमन आज देखा जाता है कि हम थोड़ी भी दूर जाने के लिए अपनी बाइक या फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और वह धीरे धीरे निष्क्रिय होना शुरू होती हैं और वही काम करना बंद कर देती हैं। जैसे कि किसी साइकिल को अगर हम काफी समय तक खड़ी कर दें तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, उसी तरह अगर हम पैदल नहीं चलते या व्यायाम नहीं करते तो हमारी सभी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिसके कारण हमारे पैरों में, घुटनों में, कमर में, बदन में तमाम तरह के दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और इसी को लेकर अताउल अंसारी ने एक बीड़ा उठाया है कि हम भदोही को स्वास्थ्य बनाएं। इसी पर उन्होंने एक नारा भी दिया है, हम सब ने उठाना है भदोही को स्वस्थ बनाना है। अब तो उन्होंने पुरुषों सहित बालिकाओं को भी इस अभियान के माध्यम से साइकिलिंग की प्रेरणा दी है। नमस्कार, मैं अनिशक्तर, आप देख रहे हैं अनिशक्तर ऑफिशियल। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे आम इंसान हो, सबके लिए अच्छा है सुबह उठना, बहुत ही बेहतर है। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि रोज सुबह उठें और जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जैसा कि जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं कि सभी लोग जो है सुबह उठें और स्वस्थ रहें। बहुत बढ़िया। ये साइकिल चलाना बालिकाओं के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। हम चाहेंगे कि मेरे सायरा गर्ल्स इंटर कॉलेज की बच्चियां या इस भदोही डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए विकास के लिए साइकिल चलाना और योगा करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल महिलाओं में घुटने से संबंधित बीमारियां, जोड़ों में दर्द ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये अगर योगा हर एक महिलाएं और बच्चे करने लगे बच्चियां तो स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा और हम लोग बीमारी से भी मुक्ति पा जाएंगे। सुबह उठे और साइकिल से है कुछ ना कुछ व्यायाम करें। और ये क्या है कि कुछ लोग रहते हैं आलसी बने रहने, आज नहीं तो कल करते हैं, लेकिन क्या उम्र ढलती जाती है इस धीरे धीरे। जैसे कहा गया है सुबह सुबह होती है शाम होती है उम्र ही तमाम होती है। साइकिल चलाने से हमारे शरीर के हर पार्ट का व्यायाम अपने आप होता है। डॉक्टर उसके बाद तो डॉक्टर जो अलग अलग तरीके की चीजें बताते हैं, ऐसे करिए वैसे करिए, तो सभी चीजों सभी लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के बताने से पहले चीजों को अपने आप व्यायाम करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही हमें कम पड़ेगी। जो स्वास्थ्य होता है ये हमारी संपत्ति होती है, ठीक। संपत्ति हमारी खत्म हो सकती है लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य की संपत्ति होती है हमारी जिंदगी भर चलती रहती है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो कमाते खाते हमेशा जीते रहेंगे और इसके लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। थैंक यू। लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है कि भाई खेल ग्राउंड आपके घर से दूर है, तो आपका जो घर का चबूतरा है, आंगन है, छत है, या जो आपके आसपास छोटा छोटा मोटा मैदान है वहीं पे आप सुबह उठिए, कुछ न कुछ योग व्यायाम करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साइकिल एंड हमारा शरीर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे साइकिल चलती है तो साइकिल का हर पार्ट्स काम करता है, चाहे पहिया हो, चाहे हैंडल हो, पैंडल हो, घंटी है। इसी प्रकार हमारे शरीर के जितने जोड़ हैं साइकिल के साथ साथ वो भी काम करते हैं।